सब्सक्राइब करें सो हाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सो हाइपर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे में कौन से ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म में ले जाना है, ये कैसे डिसाइड होता है रेलवे स्टेशन में और क्या क्या प्रोसीजर होती है इसकी। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को ना पूरा देखे एंड तक देखे बिना स्किप किए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर बिना कोई टाइम वेस्ट किए तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं। तो दोस्तों, किस ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पर लेना है, इसे निर्धारित करने के पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे आजकल सभी बड़े बड़े स्टेशनों या फिर यार्डों में रूट रिले या सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग का प्रोविजन किया गया है, जिसमें कि पूरे यार्ड और स्टेशन पर ट्रेनों के ट्रैफिक को एक पैनल पर खाली लाइन्स एंड प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कंट्रोल चेम्बर्स, मतलब कि सेंट्रल या RRI केबिन्स में बैठकर केबिन स्टेशनों स्टेशन मास्टरों द्वारा डिफरेंट पॉइंट्स एंड सिग्नल्स के ऑपरेटिंग से कंट्रोल किया जाता है। और इसमें पैनल पर खाली एंड डोमिसियल लाइंस को सफ़ेद और लाल रंगों से शो किया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। देखिए इमेज में, ठीक है, आपको दिख रहा है। और इन केबिनों के अलावा नीचे प्लेटफॉर्म्स पर भी प्लेटफॉर्म और आउटडोर डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट मौजूद रहते हैं, जो केबिन SS के साथ गाड़ियों की एक्चुअल कंडीशन के बारे में रेलवे ऑटोफोन और वॉकी टॉकी पर कॉन्टेक्ट में रहते हैं। और ऐसा ही कॉन्टेक्ट पैसेंजर इंटरप्रिटेशन रूम के साथ भी रहता है। जी हाँ, पैसेंजर इंटरप्रिटेशन रूम के साथ भी रहता है, और जहां मौजूद कर्मचारी डिफरेंट ट्रेन के प्लेटफॉर्म के बारे में पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करने के लिए ड्यू डिलीजेंस के साथ इंडिकेटर पर शो करने की सूटेबल अरेंजमेंट भी करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। ये एक प्लेटफॉर्म इंडिकेटर बोर्ड है जिसे सारे स्टेशन पर लगाया जाता है। आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं स्टेशन से, तो इस प्लेटफॉर्म को बिना देखे आप तो जाते ही नहीं हैं, ठीक है। इस स्टेशन, ये जो बोर्ड है ना, इसको आप देखते हैं तभी कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है आप तभी डिसाइड करते हैं, ठीक है। और प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी के साथ ही कौन सी ट्रेन किस डायरेक्शन में या फिर आगे किस लाइन पर निकालनी है, इसका भी ध्यान रखा जाता है, ताकि उस ट्रेन को लाइन क्लियर देते समय बाकी डायरेक्शन से आने वाली ट्रेनों का रूट ब्लॉक ना हो। और कुछ स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट ट्रेन, जैसे कि शताब्दी हो गई, राजधानी हो गई, दुरंतो हो गई, गतिमान हो गई, और भी कई ट्रेन हैं जिसका नाम लूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, लंबी हो जाएंगी, जिनको अक्सर स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है, और शायद आपने देखा भी हो, और इस कारण से लिया जाता है मेन प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि जहाँ, ठीक है, जैसा वहाँ प्लेटफॉर्म्स जो मेन प्लेटफॉर्म्स रहते हैं ना, वहाँ पैसेंजर्स का पहुँचना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, इसलिए वहाँ मेन प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है। मान लो मेन प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, ज़्यादातर तो फर्स्ट ही रहता है। और दिल्ली में, जी हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 को ऐसी ट्रेनों के लिए निर्धारित किया गया, यानी मेन उसको ही बनाया गया है। जो मेन ट्रेन्स रहती है ना, तो नई दिल्ली में या बहुत से स्टेशन होंगे, बहुत हाई भी होंगे, नहीं है, उनमें रखा गया है, ठीक है। और कुछ ट्रेन्स ऐसी भी हैं जिनकी जर्नी एंड हो रही है, यानी समाप्त हो रही है वो, तो उन्हें मुख्य लाइनों के प्लेटफॉर्म की जगह या तो डेड एंड वाले प्लेटफॉर्म्स पर लिया जाता है, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म जो यदि ज़्यादा समय तक डोमिसाइल रहे भी तो बाकी ट्रैफिक्स पर कोई असर न पड़ सकें, और इसके साथ ही खाली ट्रेन की यार्ड वगैरह में आसानी से सेटिंग की जा सके। तो दोस्तों, कुछ स्टेशनों पर जहाँ अप और डाउन लाइन के लिए एक एक ही प्लेटफॉर्म होते हैं, तो वहाँ ट्रेनों को उनके डायरेक्शन के हिसाब से निर्धारित प्लेटफॉर्म्स पर लिया जाता है। और दोस्तों, यदि किसी महत्वपूर्ण ट्रेन को आगे निकलना है तो उसके आगे चल रही ट्रेन को लूप लाइन प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है, और पीछे से आ रही इंपॉर्टेंट ट्रेन को मेन लाइन के प्लेटफॉर्म से होते हुए पूरी स्पीड से निकाला जाता है। आपने देखा भी होगा कोई छोटे स्टेशन में ट्रेन रुकी हो, एक ट्रेन रुकती है और आपके, अगर समझो आप सुपरफास्ट में हो या एक्सप्रेस में हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक छोटी ट्रेन पे हो, एक्सप्रेस ट्रेन में हो, छोटे स्टेशन पे रुक गई वो ट्रेन, अब क्यों रुकी आपको तो पता नहीं, 2 मिनट का स्टॉप रहता है, लेकिन ज़्यादा देर रुकी तो इसका मतलब रहता है कि कोई सुपरफास्ट ट्रेन आ रही है जिसको मेन लाइन से निकलना है और उसके आगे चढ़ाना है, तो इसलिए उसको मेन लाइन से निकालते हैं और दूसरी ट्रेन को लूप लाइन में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए किया जाता है, ठीक है, तो ये होता है। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त रिलेटिवली छोटे बड़े दिया कुछ छोटे स्टेशनों पर ज़्यादातर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म जनरली निश्चित होते हैं, यानी डिसाइडेड होते हैं,
और दोस्तों यदि कोई फेरबदल रहता भी है तो इस बारे में अनाउंस करके पैसेंजर्स को समय रहते इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जी हाँ, आपको भी पता होगा अगर आपकी ट्रेन डिले हो रही है या दूसरे कोई प्लेटफॉर्म में लेके जा रहे होंगे तो उसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई हो, कोई भी डाउट नहीं हो। अगर डाउट हो भी तो कमेंट में बताए यार, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद भी आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद भी आए नहीं वीडियो आपको पसंद आई ही होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगले फ्रेश वीडियो में। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।